टेक न्यूज चालू करने से पहले कह दूं दोस्तों, नवरात्रि की सभी हमारे फॉलोअर्स, सब्सक्राइबर्स और सभी दूसरे लोगों को भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। फाइनली दोस्तों, हफ्तों महीनों के रूमर्स के बाद पिक्सेल 3 और पिक्सेल 3 एक्सेल लॉन्च हो गए, उसके इंडिया के प्राइसेस भी आ गए हैं और चालू होता है कुछ 71,000 से। पिक्सेल 3 बेस वर्जन 4GB 64GB का है, वो 71,000 से चालू होता है, 128GB है वो 83,000 का है। जो इनका एक्सेल वर्जन है वो चालू होता है 83,000 से और जो 128GB है वो है 92,000। प्राइजेस ज़्यादा ज़रूर हैं लेकिन पिक्सेल फ़ोन लेने के कुछ फ़ायदे हैं। मैंने एक डिटेल्ड वीडियो किया है मेरे थॉट्स, मेरे ओपिनियंस के बारे में पिक्सेल फ़ोन्स के बारे में, आपने देखा नहीं है तो ज़रूर देखिए। ओवरऑल अच्छे फ़ोन हैं, यस ओवर प्राइस्ड ज़रूर है। वैसे दोस्तों, आप अगर नए हो तो बता दूं, मेरा नाम है अरुण रोहदे से, आप देख रहे हो ट्रैक इन टेक न्यूज नंबर 230। आज ज्यादा वक्त नहीं जाया करते, वैसे आप सभी जगह पे फॉलो करते हो, सभी जगह पे सब्सक्राइब भी करते हो, नहीं किया है तो कर लीजिए। चलिए चालू करते हैं अगली टेक न्यूज के साथ। फाइनली दोस्तों, कल 4X द फन, जी हाँ, सैमसंग का जो फोन लॉन्च होने वाला था, टीज किया हुआ था पिछले एक महीने से, 4X क्या होने वाला है पता चल गया है। उसका एक डिटेल्ड इमेज आ गई है, चार कैमरास होंगे और चार कैमरास होंगे, उसमें से जो मेन कैमरा होने वाला है वो 24 मेगापिक्सल का f1.7 होगा, साथ में डेप्थ सेंसिंग का एक कैमरा होगा, साथ में अल्ट्रा वाइड एक कैमरा होगा, टेलीफोटो जूम का एक कैमरा होगा। अब देखेंगे इसके फोटोज कैसे आते हैं। वैसे इसके जो स्पेसिफिकेशन है फ्लैगशिप लेवल का नहीं है, ये SD660 प्रोसेसर पे आएगा, 4GB रैम, 6GB रैम, 64GB 128GB स्टोरेज वगैरह होने वाला है। लेकिन दोस्तों, आपसे एक बात पूछनी थी, सैमसंग का ये फोन है, क्या प्राइस होने वाली है ये हमें कमेंट्स में बताइए आप। मुझे लगता है दिस इज नॉट गोइंग टू बी चीप। 4X द फन, फन कॉस्ट्स मनी, जी हाँ, मुझे लगता है कुछ 40,000 का होगा। आपको क्या लगता है जरूर बताइए। कल दोस्तों मैंने आपको बताया था ओप्पो K1 के बारे में, जी हाँ, द चीपेस्ट इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर वाला फोन। कल मैंने बताया था कि इसकी जो प्राइस है, एक्सपेक्टेड प्राइस जो बेस वर्जन होगा कुछ 11-12 हज़ार का होगा, ऐसा नहीं है, लॉन्च हो गया है, ये इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर है उसमें, लेकिन उसका जो 4GB 64GB वर्जन है वो कुछ 17,000 का आता है और जो अपर वर्जन है वो कुछ 19,000 का, इसका मतलब 20,000 के नीचे है। स्टिल इट विल बी द वर्ल्ड्स चीपेस्ट इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर वाला फोन, तो अच्छा है। इंडिया में कब आएगा पता नहीं, बट आई रियली होप कि जल्दी ही आ जाए। वैसे दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले अटेंडेंस मत भूलिए, अटेंडेंस जरूरी है हमारे इधर ट्रैक एंड टेक पे, आप रोज आते हो ये दिखा के थोड़ा सा प्यार हमें जताइए, अच्छा लगता है और अच्छे टेक न्यूज आप तक पहुंचने का, जी हाँ वो आता है। $1 billion दोस्तों, $1 billion, जी हाँ, इतना सेल होने वाला है सिर्फ स्मार्टफोन्स का 5 दिनों में, सिर्फ Amazon, Flipkart और बाकी सब ई-कॉमर्स है। वैसे Amazon और Flipkart ही काफी है क्योंकि 90% जो शेयर आता है स्मार्टफोन सेल्स का, ऑनलाइन स्मार्टफोन सेल्स का, वो इन दोनों साइट से आता है और ये बेचने वाले हैं, ये जो सेल चल रहा है 5 दिनों में $1 billion, 7,400 crores। सोचिए दोस्तों, ये क्या नंबर है। ई-कॉमर्स बहुत ज्यादा बढ़ रहा है इंडिया में, आपको क्या लगता है जरूर बताइएगा। वैसे दोस्तों, इस सेल में आपने अगर स्मार्टफोन खरीदा है, किधर से खरीदा है, अभी तक 4 दिन बाकी है, फिर भी हमें बता दीजिएगा। अगर आप खरीदने वाले हैं तो फ्लिपकार्ट से, अमेजोन से जरूर बताइएगा। और हाँ, ये भी रिमाइंड कर दूं कि हमने डील्स, जो भी बेस्ट डील्स है फ्लिपकार्ट और अमेजोन पे, जरूर देखिए, बाय कीजिए। और दोस्तों, शाओमी आए दिन एक नए नंबर के साथ बाहर आता है। परसों के दिन मैंने आपको बताया था कि उन्होंने देश का स्मार्टफोन 10 मिलियन यूनिट्स बेचे हैं, 1 करोड़ बेचे हैं, ऐसे कहा था। अब वेरीफाई तो नहीं कर सकते हैं, तो सच है झूठ है ये पता नहीं। आज उनके जो CEO है ली जून, उन्होंने और एक नंबर सामने डाला है, उन्होंने कहा है कि मी 8 सीरीज जो मई या जून में लॉन्च हुई है, जस्ट 2-3 महीने पहले 6 मिलियन यूनिट्स बेचे हैं। 6 मिलियन यानी 60 लाख, दिस इज नॉट अ स्मॉल नंबर। मुझे समझ में नहीं आता है, एक तो ये ऐसे नंबर्स क्यों रिवील करते हैं, कुछ तो बैकिंग होनी चाहिए, पता नहीं। आपको क्या लगता है जरूर बताएगा, क्या ये नंबर सच है, झूठ है, हो सकता है सच, गलत हो सकता है, जरूर बताइएगा। माइक्रोमैक्स इज मेकिंग अ कमबैक, जी हाँ, पिछले 1.5 साल से एक US परसों लॉन्च किया था, अच्छा फोन है, हमने डिटेल रिव्यू किया हुआ है, जरूर देख सकते हो। वैसे दोस्तों, ये एक ही फोन है, पिछले 1 साल में लॉन्च किया है, लेकिन अब उन्होंने लॉन्च किया है उनका खुद का स्मार्ट टीवी और मुझे लगता है कि अच्छा होने वाला है, स्पेशली उनका जो यू ब्रांड है उसके अंडर लॉन्च किया है, यू यूफोरिया,
इसी नाम का एक फोन भी था, अब स्मार्ट टीवी आ गया है जो 18,500 का है, 40 इंच का है, फुल HD है, सो इट इज डेफिनेटली वैल्यू फॉर मनी एटलीस्ट ऑन पेपर। Amazon एक्सक्लूसिव भी है, मैं चाहिए तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ, तो अच्छी बात है। आई होप कि माइक्रोमैक्स ये जो चाइनीज मैन्युफैक्चरर्स आ गए हैं और सब टॉप पे जा रहे हैं धीरे धीरे, इंक्लूडिंग शाओमी, वावी, वीवो, ओप्पो, उनको थोड़ा तो कॉम्पिटिशन इंडियन ब्रांड्स के पास से मिलना चाहिए। आपको क्या लगता है ज़रूर बताइएगा। वैसे माइक्रोमैक्स कमबैक कर रहा है, ये सुन के आपको अच्छा लगा, ये करना मत भूलिए। हमने आपसे पूछा था कि भाई आपको जो ग्रे बैकग्राउंड होता है, टीवी होता था पहले जब हम यूज़ करते थे तभी, वैसा टीवी चाहिए क्या, क्या आपको अच्छा लगता है? एंड दोस्तों नियरली मेजॉरिटी ऑफ लोगों ने कहा कि हमें टीवी चाहिए, अच्छा लगता है। आपने कहा, हमने सुना, बहुत ही जल्दी हमारे सेटअप में टीवी भी होगा और बहुत कुछ अच्छा अच्छा दिखेगा भी उसमें। वैसे मैं हर रोज पूछता हूँ क्या आपको मिला, या मिला है तो सीधा कमेंट में जाइए, #TTTH डालिए। अच्छा, नहीं पता आपको TTTH क्या है? ट्रैकिंग टेक ट्रेजर हंट है दोस्तों। आपको इस टेक न्यूज में अगर कुछ दिखा किधर तो आपको हमें बताना है टाइम स्टैम्प के साथ, #TTTH के साथ, और स्पेसिफिकली क्या दिखा ये, अगर आप बताओगे तो आपको मिल जाएगा अमेजॉन का गिफ्ट वाउचर। यस, और कल के हमारे Amazon गिफ्ट वाउचर के विनर थे, नहीं, ट्रैकिंग टेक ट्रेजर हंट के विनर थे, जिनको Amazon गिफ्ट वाउचर मिला वो है ऋतुराज कुमार। जी हाँ, ऋतुराज जी, पिंड कमेंट में रिप्लाई कीजिए या फिर हमें ईमेल कीजिए, आपका जो ईमेल आईडी है Amazon का वो हमें भेज दीजिए, बहुत ही जल्दी आपको मिल जाएगा Amazon गिफ्ट वाउचर। जी हाँ, चलिए दोस्तों, आज का हमारा ट्रैकिंग टेक न्यूज एपिसोड नंबर 233 इधर ही सा 230 इधर ही समाप्त होता है। अगर अच्छा लगा लाइक करना मत भूलिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बाकी कुछ भी करना है वो भी कीजिए। चलिए दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो तक।